हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम अरोड़ा और ये मेरे ऑटोकैड का पहला वीडियो है। और मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड में सोफे का ब्लूप्रिंट कैसे बनाना होता है। मेरे पास कहता है सोफे का ब्लूप्रिंट है। इसमें कहता है सोफे का साइज़ है और इसका इसको कैलकुलेशन करके हमें ब्लूप्रिंट में सोफ़ा बनाना है सॉरी सोफे का ब्लूप्रिंट बनाना है। तो फिर हम शुरू करते हैं। यह है ऑटोकैड 2013। तो सबसे पहले कि ये कि आप जानते हैं कि ऑटोकैड में ज़्यादातर कहते हैं ब्लू प्रिंट्स का काम होता है। तो कहते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑटोकैड में एक सेटिंग का करना पड़ता है, जिसमें उसमें हम कहते हैं 3D में भी काम कर सकते हैं, प्लस उसका ज़्यादातर ब्लू प्रिंट्स का काम भी होता है। तो आज मैं आपको ब्लू प्रिंट्स के बारे में बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे काम करना होता है इसमें। तो फिर यहाँ पे जाके हमेशा जब भी आप अगर आप कोई ब्लू प्रिंट्स बनाना हो तो फिर आप ऑटोकैड क्लासिक को क्लिक करेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद एक UN एंटर होता है, ड्राइंग यूनिट्स, UN एंटर। इसमें लेंथ का हमें आर्किटेक्चर लेना होता है किसी ब्लू प्रिंट को काम करने के लिए। और जैसे कि मैंने कोई रेक्टेंगल लिया तो उसके लिए हमें सेंटीमीटर्स को सेलेक्ट करना होता है। ओके कर देना। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे सोफ़े का ये बॉक्स जो है, तो इसमें 50 50 50 दिया हुआ है। कहते हैं इन 350 को हमें प्लस करेंगे तो हमारा 150 आएगा विड्थ, और जो हमारा लेंथ है वो है 20 इसका। ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा विड्थ हो गया। विड्थ है 150 और है लेंथ 20। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, इस तरह से किया। तो अच्छा कहते हैं डी होता है हमारा डिमेंशनल, डब्ल्यू होता है विड्थ और एल होता है हमारा लेंथ। तो डी एंटर, W एंटर, विड्थ हमारा 150, एंटर, L एंटर, लेंथ हमारा 20, एंटर। इस तरह से हमारा मेरा बॉक्स बना है। अगर आपको इसका आपको जैसे डाउट लग रहा है कि मेरा ये परफेक्ट बना है या नहीं बना, तो आप इसका एक मेजरमेंट कर सकते विड्थ का और लेंथ का। उसको कहते हैं चेक करने के लिए हमें डिमेंशन में जाके लीनियर को सम करते सेलेक्ट करते हैं। देन ये पॉइंट है, इसको को कॉर्नर पॉइंट करके लास्ट को कॉर्नर पॉइंट को करके 150 आया, जो मैंने लिया था विड्थ, बिल्कुल परफेक्ट आया। कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा मेजर एकदम कहता है ढंग का आया है या नहीं, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इससे लीनियर लेके मैं अब लेंथ चेक करूँगा 20, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपके बॉक्स है, जैसे हमने एक ब्लू प्रिंट बनाया, अब जो हमने मेजरमेंट लिया है वो चाहते हो कि ये थोड़ा अलग सा लगे कि मैंने मेजरमेंट लिया है, तो उसको आप इसको क्लिक करके इन दो मेजर नंबर को क्लिक करके इसको आप कलर दे देते। तो बाय लेयर में जाके रेड, येलो, कोई भी नंबर सॉरी कोई भी आप कलर्स को दे सकते हैं अलग से लगने के लिए। और इसका जो सेलेक्शन टूल होता है, तो उसका जो आई मीन जो ऑटोकैड का सेलेक्शन टूल होता है उसको हम कहते हैं स्किप करते हैं कि हमारा सेलेक्ट करने का कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया इस चीज़ को। सेलेक्शन के लिए होता है। ओके सॉरी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलने का। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं बीच में अटक रहा हूँ तो प्लीज़
ध्यान रहे कि मुझे थोड़े से बोलने में प्रॉब्लम है, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आपको लगता है मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं बोल पा रहा या कुछ किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आपको भी हार न मानिए, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ बोलने की। ओके, अब आगे करते हैं इसको। किया, अब मैं इसको हटाने देना चाहता हूँ, अब मेरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको आपने जूम इन जूम आउट करना है, तो इसके लिए होता है जेड एंटर ए एंटर, ये जूम इन जूम आउट के लिए है हमारा, इस तरह से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इस तरह से जेड एंटर ए एंटर, ठीक है। अच्छा, अब आई मीन नेक्स्ट ये मेजरमेंट साइज, लाइन साइज का, तो ये मैंने बॉक्स बन के विड्थ लेंथ का। आगे है ये लाइन चाहिए 12 साइज का, चाहिए 12 मेजर चाहिए साइज, तो फिर ऑटोकैड में जाके आप इसको 12 लेंगे साइज लाइन, ये एल लाइन, यहाँ से आप लाइन ले देते हो और यहाँ से भी आप लाइन दे देते हैं। ये भी टूल है, साइड का टूल, और ऐसे आप टाइप करके भी लाइन टूल ले सकते हैं। ओके, बॉक्स लिया, मेजर लिया। ओके, अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को बिल्कुल कहते हैं स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये हिल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है एफ एट, होता है एफ एट फॉर ऑर्थो मोड, तो एफ एट यहाँ पे होगा शो, एफ एट ऑर्थो मोड, इसको आपने ऑन करना है। ओके, देन आप लाइन ले, पॉइंट जोड़ा, ठीक है, 18, सॉरी सॉरी, इसके साइज से 12, एस्केप सिलेक्शन, फिर से लाइन लिया। जब भी आपने कोई लाइन बना दो, तो आपको ऐड करके लाइन कर सकते हैं और साइड से टूल में भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लिया 12, एंटर, एस्केप, इस तरह से ये मेरा लाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद आप देख, अब जैसे ये 12 है, जो सेम जो जो उसका लाइन है साइज 12, अब हम इसका डिस्टेंस रहने 50-50 के हिसाब से, जैसे कि 12 50 12 50 12 50 एंड देन 12, इस तरह से हमें करना है। तो ये 12 है, तो हमें 50 का जी हमें डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट लिया 50, एंटर, एस्केप, लाइन लेना करके, ये आपको पॉइंट दिखेगा कि ये जहाँ तक हमारा 50 बना है डिस्टेंस, क्लिक करके देन कंटिन्यू 12, एंटर, एस्केप, देन लाइन, पॉइंट लिया, देन 50 डिस्टेंस, एंटर, एस्केप, स्किप, और ये हमारा भी 50 एंड 12। ओके, ये हमारा बन गया है यहाँ का। अब हमें इसका आर्क चाहिए कि हमारा सोफे का क्या होता है, जो गद्दी है उसका अशेप बने, तो उसके लिए जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 27 हिसाब से है इसका आर्क, 27 डिग्री के हिसाब से है इसका है साइज आर्क का, तो आप ड्रॉ में जाके आर्क और स्टार्ट एट एंगल होगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, देन आपने यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ पे किया, तो 27 था हमारा, 27 एंटर, ठीक है भाई। जैसे कि कहते हैं कंटिन्यू रिपीट के लिए, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिपीट स्टार्ट एंगल को क्लिक करके, वही आपका जो है रिपीट, वही जो आप काम कर रहे हो उसको आप बार बार राइट क्लिक करके रिपीट कर सकते हो, ये कि ये नहीं होगा कि फिर इससे आपको आसानी पड़ेगा, बार बार आपको लेना नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा। तो 27 डिग्री, एंटर, रिपीट, राइट क्लिक करके, एंटर, ओके। अब ये मैंने बन गई एग्जाम। देन हमें 18 लेना है, ये वाला लाइन का 18 है ना, ये वाला लाइन का, ठीक है, सोफे का ऊपर का पोर्शन। तो एल लाइन पॉइंट लिया 18, एंटर, स्किप, लाइन 18, एंटर, स्किप, ठीक। उसके बाद ये आप जो दो लाइन आप देख रहे हैं जो 90 डिग्री के हिसाब से जो ये है, यहाँ पे दो लाइन है सोफे के बीच का, इसमें ये इसका जो लाइन का जो मेज़र होगा वो होगा, वो 90 नहीं होगा एक्चुअली, 90 का कहता है आर का दिया, जैसे 60 का आर का दिया, 60 आर का दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका लाइन का क्या मेज़रमेंट होगा, क्या हाँ मिस क्या मेजरमेंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इसका 20 का दिया था हमारा क्या होता है लेंथ दिया था, और जो ये 12 दिया था लाइन मेज़र, तो 12 प्लस 12 करेंगे तो क्या कहते हैं 20 प्लस 12 करेंगे तो हमारा आएगा 32, और 90 को आप माइनस 32 करेंगे तो आएगा 58। जो ये दो लाइन है वो आप 58 मेजरमेंट करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बॉक्स का था लेंथ वो 20 था, और ये जो रियल मेजर था ये था 12। तो आप 20 माइनस 12 करेंगे तो आपका सॉरी 20 प्लस 12 करेंगे तो आपका आएगा 32, और 90 में से माइनस 32 करेंगे तो आपका 58 आएगा। ये दो लाइन का पीछे का ऊपर का दो लाइन का ये आपका आएगा 58। तो लाइन लिया एंटर, एस्केप, इस तरह से फिर से लाइन 58, एंटर, एस्केप, ठीक है। इस तरह से होगा हमारा सोफे का ऊपर का लाइन, ठीक है। अब हमें इसका वही सेम वे में बनाना है जो हमने यहाँ का बनाया था, आर का किया था हमने काम, वही सेम वे है। तो फिर से हमें ड्रॉ में जाके आर्क कहते हैं स्टार एंड एंगल को सेलेक्ट किया, पॉइंट लिया इस तरह से, ध्यान रहे कि पॉइंट के हिसाब से हो, ऊपर नीचे ना हो इसका। जैसे ही आपको शो किया भाई ये पॉइंट शो किया, इस तरह से आपको कहते हैं हेल्प करता है एक परफेक्ट पॉइंट के लिए, एंड पॉइंट के लिए। क्लिक किया, इसका था 60 डिग्री था, एंटर, ये 60 था, यहाँ भी 60 और यहाँ पे 90 आएगा। लाइन लिया 90 क्लिक करके रिपीट, मैं गलती हो गई, मैं विजिट ड्रो में जाके करता हूँ आर्क स्टार एंड एंगल, ओके, ये लिया 90, इस तरह से रिपीट, ये मैंने सोफे के ऊपर का पोर्शन, नीचे गद्दे हिसाब से पोर्शन, और नीचे का सोफे का बेस बना है बॉक्स का, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें बनाना है सोफे का सपोर्ट के लिए, तो
और उसको हमें कैसे राउंड शेप में लाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक हमने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, वही डी एंटर। और इसका जो क्या होता है वेयर होगा वो होगा 10, और जो उसका लेंथ होगा वो होगा 50। इसका वेयर होगा 10 और इसका लेंथ होगा 50, ठीक है। तो मैंने डी एंटर के डब्ल्यू एंटर, वेयर है 10 एंटर, लेंथ एंटर है 50। सॉरी, आपको ध्यान रहे कि जब आप कहते हैं एक कहते हैं रेक्टेंगल, जब आप मेजरमेंट ले लेते हैं तो आपको क्लिक करके इसको कहते हैं इसमें कहते हैं शो होता है। अगर आप एस्केप कर देंगे तो आपका ये वो कहते हैं जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो गायब हो जाता है। तो फिर से हम वही लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे कि मेरे से गलती हो गया था कि मैंने एस्केप कर दिया था। इस तरह से लिया डी एंटर, डब्ल्यू एंटर, वेट था हमारा 10 एंटर, एल एंटर हमारा था 50। क्लिक 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 से ये वापस अटेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये इसका लेना है राउंड शेप हिसाब से लेना है ऊपर का। तो उसके लिए होता है हमारा फ्लिट। फ्लिट क्या होता है, फ्लिट को सेलेक्ट किया, अच्छा। और इसमें होता है आर एंटर, जैसे मेरे को कहते हैं 5 का रोटेशन चाहिए, तो आर होता है रेडियस और 5 इसका हो गया साइज के हिसाब से, रोटेशन 5 के हिसाब से हो गया, ठीक है। आर एंटर, 5 एंटर, क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, ये हो गया। अब फिर से करेंगे हम, तो राइट क्लिक करके रिपीट फ्लिप क्लिक किया पे, इस तरह क्लिक किया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा राउंड बन गया आर माइनस फाइव, आर बाय फाइव और माइनस आर बाय फाइव, ओके। अब उसके बाद हमें नीचे का है 10, इसका लाइन साइज है कि हमें ठीक है। तो एक लाइन लेंगे 10 का साइज नीचे का, एल 10 एंटर, एस्केप, यहाँ पे भी लेना है 10 का साइज में से लाइन लिया। सॉरी, मैंने लाइन नहीं लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको मूव करके यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ पे टूल आता है मूव, हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया एंटर, जहाँ पॉइंट्स हमें इसको रखना है इस तरह से, ठीक है। और इसको कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पे टूल है कॉपी को क्लिक किया, सॉरी सेलेक्ट किया, देन इस पे क्लिक किया सॉरी एंटर, ये पॉइंट है, इसे करके यहाँ पे मूव कर दिया मैंने। इस तरह से मेरा सोफ़ा कंप्लीट हो गया। और आप इसको बाद में कहते हैं 3D मैक्स में आप इसको कहते हैं 3D के लुक लुक में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो।